हालेलुया, प्रभु को बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलकर उसके वचन से सीख सकते हैं। और आज मैंने जो हिस्सा लिया है वो है मत्ती उसका 20वां अध्याय 1 से 16 तक। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है और उस दृष्टांत में एक गृह स्वामी है, उसकी एक बारी है और वो सुबह जाता है, कुछ मजदूरों को कहता है मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा, जाओ मेरी बारी में काम करो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर निकला और फिर कुछ और मजदूरों को उसने देखा और उन्हें भी उसने कहा जाओ मेरी बारी में काम करो, जो ठीक होगा मैं तुम्हें दूंगा। दूसरे पहर, तीसरे पहर निकला और फिर दिन खत्म होने से 1 घंटा पहले फिर गया और कुछ और मजदूरों को उसने खड़े हुए देखा और उनसे कहा अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा स्वामी किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं रखा। उसने कहा ठीक है, अभी 1 घंटा बचा है, जाओ मेरी बारी में काम करो, जो ठीक होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद जब दिन पूरा हुआ उसने अपने भंडारी से कहा कि सबको उनकी मजदूरी दे दो और उसने कहा आखिरी से शुरू करो, जो लास्ट में आए हैं पहले उनको मजदूरी दो। ना सुबह वालों से क्या तय किया था 1 दिनार और लास्ट वाले को उसने 1 ही दिनार दिया, जो सिर्फ 1 घंटे पहले आए थे उन्हें 1 दिनार दिया। तो पहले वालों ने सोचा हमको ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्वामी ने उसको भी 1 ही दिनार दिया। और तुम्हें और आप जानते हैं वो जो सुबह से काम कर रहे थे वो कुड़कुड़ाने लगे और फिर वहां पर हम उनकी बातचीत देखते हैं और फिर स्वामी का उत्तर, एक बहुत खूबसूरत टीचिंग जो मुझे आपको उसमें मिलेगी हम उसको देखते हैं। तो आइए कुछ बातों पर हम अपना ध्यान करें। 10वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूं, लिखा है जो पहले आए थे उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। ना पहली बात है ना, प्रॉब्लम कहां पर है? उन्होंने ये समझा, गौर करिएगा, उन्होंने ये समझा। कई बार मेरे और आपके डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारी निराशा इसी बात में शुरू होती है क्योंकि हम समझ लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम मान बैठते हैं। इन्होंने समझा, इन्होंने सोचा कि अगर वो 1 घंटे वाले को 1 दिनार मिला है तो हमको भी ज्यादा मिलेगा। कई बार मैं और आप कहते हैं ना, ओ मैंने सोचा था वो मुझे फोन करेगा मैंने सोचा था वो मुझसे मिलने आएगा, लेकिन जब वैसा नहीं होता है ओ हम निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन प्रियो, मैं और आप सीख सकते हैं कि मैं और आप ऐसे अजम्पशन से बचें ताकि मैं और आप निराश ना। कई बार हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा करते हैं, ओ मैंने सोचा था परमेश्वर मुझे इस प्रकार से जवाब देगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को इस तरीके से पूरा करेगा, लेकिन देखो परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मैं और आप कई बार ऐसा सोच लेते हैं। पुराने नियम में नमान कोढ़ी ने भी ऐसा ही किया था, जब वो एलिशा के पास मिलने गया तो लिखा है उसने सोचा था, वो इसी बात से नाराज हो गया, उसने कहा मैंने सोचा था वो मुझसे मिलने आएगा, अपना हाथ मेरे ऊपर रखेगा, मेरे लिए दुआ करेगा, मेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा, लेकिन वो तो मुझसे मिलने तक नहीं आया। उसने मुझसे कहा जाओ यर्दन में डुबकी लगा लो 7 बार तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा, क्या दमिश्क में इससे अच्छी नदियां नहीं है? और वो लौटा जा रहा था, सोचिए वो गुस्सा होकर लौटा जा रहा था, लेकिन प्रेज द लॉर्ड उसके कुछ दासों ने उसको समझाया, बोला स्वामी अगर नबी ने तुझसे कोई बड़ी बात करने को कही होती तो क्या तूने ना की होती? अब जब उसने तुझसे एक छोटी सी बात करने को कही है तो क्यों नहीं उसको करता है? क्या जाने तेरा कोढ़ सचमुच दूर हो जाए और तू शुद्ध हो जाए। उसको समझ में आया। प्रियो, कई बार मैं और आप अज्यूम कर लेते हैं परमेश्वर ऐसे काम करे, और जब परमेश्वर वैसे काम नहीं करता है तो हम गुस्सा होकर चले जाते हैं या हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। बट नहीं, आज मुझे और आपको समझना है, कई बार परमेश्वर बड़े सरल तरीके से काम कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमको हमारा मिरेकल मिल जाएगा। हालेलुया। बट पहली बात हम क्या सीख रहे हैं, अगर हम अज्यूम करेंगे, हम सोच के बैठेंगे और उसी पर टिके रहेंगे तो हम हो सकता है कई बार निराश महसूस करें। दूसरी बात, आप इसके 11वें और 12वें पद को पढ़ेंगे, जब उसने सबको बराबर ही मजदूरी बांटी तो जो सुबह आए थे लिखा है वो गृहस्थ पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। ना दूसरी प्रॉब्लम, तूने जो दिया सो दिया, तूने उन्हें हमारे बराबर क्यों किया? ये बड़ी भारी समस्या है, तूने उन्हें हमारे बराबर कैसे कर दिया? ना वो तो 1 ही घंटा पहले आए थे, हम सुबह से लगे हुए थे, तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। प्रियो, कई बार मैं और आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। यीशु मसीह के चेलों में ये समस्या थी, वो हमेशा इसी बात पर बहस किया करते थे हम में बड़ा कौन। लेकिन यीशु मसीह ने उनको सिखाया, यीशु मसीह ने कहा नहीं तुम इस बात की बहस मत करो, बल्कि इस बात को समझो कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो सबका दास बने,
वो दूसरों को सर्व करे, तब तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े ठहरोगे। हमेशा याद रखिएगा, मैं और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, और दुनिया का जो राज्य है, दुनिया की जो का सिस्टम है, दुनिया के कई बार जो नियम, खासतौर से दुनिया से मतलब मनुष्यों के, मेरे और आपके बनाए हुए जो नियम है ना, वो कई बार परमेश्वर के नियमों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बहुत बार तो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। और इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के नियमों को याद रखना है और परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताना, ताकि हम डिसअपॉइंटमेंट से बच जाएं, आमेन, निराशाओं से बच जाएं और परमेश्वर से, स्वामी से वो बरकत पाएं, वो मिरेकल पाएं जो उसने हमारे लिए ठहराया है। तीसरी बात, फिर से बार बार इसका पढ़ रहा हूं, उन्होंने क्या कहा जो सुबह आए थे, देखिए उनकी भाषा पर गौर करिए, वो क्या कह रहे हैं, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जबकि हमने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इन पिछलों ने, इन जूनियर्स ने, इन लेट कमर्स ने। नो, कई बार मैं और आप ऐसे कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, तुलना करते हैं अपने को बड़ा बनाने के लिए, हम दूसरे को छोटा करते हैं अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपने को बेहतर दिखाने के लिए। वी शुड नॉट डू दिस। अगेन वही बात है, परमेश्वर के राज के नियम ऐसे नहीं है। परमेश्वर के राज के नियमों में हमें दूसरे को अपने से बेहतर समझना है, आमेन, हमें दूसरे को पहला स्थान देना है, हमें दूसरे को अपने से आगे करना है। और यहाँ पर ये लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये जो पिछले आए हैं ना, ये जो जूनियर्स हैं ना, तूने इनको हमारे बराबर कर दिया। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूने हमें क्या दिया, हमारी प्रॉब्लम ये है इन जूनियर्स को तूने वो क्यों दिया जो तूने हमें दिया। दूसरे शब्दों में, दे डोंट डिजर्व इट, वी डिजर्व इट। परमेश्वर तूने उनको ये अनॉइंटिंग क्यों दे दिया, तूने उनको ये सेवा क्यों दे दिया, वो डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व करते हैं। नहीं प्रियो, ये इस बात का फैसला मेरे और आपके हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में। गृह स्वामी ने क्या कहा था, यही तो कहा था बाद में इन लोगों से कि तुम क्यों नाराज हो रहे हो, मेरी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति से जो चाहूं करूं, तुम उस विषय में मुझसे कुछ नहीं कह सकते। सो अगर मैं और आप ऐसा करेंगे, तुलना करेंगे, दूसरे को छोटा करेंगे, अजम्पशंस करेंगे, हमारे लिए ये होना चाहिए, उनके लिए ये नहीं होना चाहिए, हम हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे, हमेशा निराश रहेंगे। लेकिन अगर मैं और आप हमेशा परमेश्वर की बातों को स्मरण रखकर चलेंगे, हम हमेशा बरकत पाएंगे। चौथी और आखिरी बात कह रहा हूं, ये स्वामी का उत्तर है इन लोगों की सारी बातचीत के लिए। स्वामी ने क्या उत्तर दिया, देखिए मैं आप पढ़ सकते हैं 13 पद से आगे 15 पद तक। स्वामी ने उनसे कहा, हे मित्र, ये बात मुझे बड़ी सुंदर लगी, स्वामी उनसे दुखी जरूर हुआ होगा, बट फिर भी स्वामी उनको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। कई बार मैं और आप गलती करते हैं, स्वामी हमें रिजेक्ट नहीं करता है। कई बार मैं और आप ऐसी फुलिशनेस कर बैठते हैं ना, लेकिन हर बात पर परमेश्वर हमको रिजेक्ट करके बाहर नहीं निकाल देता, या हमसे संबंध नहीं तोड़ देता। हालेलुया, परमेश्वर अभी भी इनसे क्या कह रहा है, हे मित्र, ओ फ्रेंड, और फिर कहता है तुम खुद ही सोचो, मैंने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया, मैंने तुमको कहा था मैं तुम्हें एक दिनार दूंगा, मैंने तुम्हें एक दिनार दी, जो मैंने तुमसे ठहराया था मैंने तुम्हारा पूरा हक तुम्हें दिया है, तुम्हारी पूरी मजदूरी तुम्हें दी है, मैंने तुमसे कोई बेमानी नहीं करी है, इसलिए अब जो तेरा है उसको लेकर चला जा। तू क्यों इस बात से निराश हो रहा कि मैं अपनी संपत्ति अब दूसरे को भी बराबर देना चाहता हूं। और फिर एक बात जिस पर मुझे और आपको ध्यान देना है, क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं, ध्यान दीजिए इस बात पर, क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, परमेश्वर क्या कह रहा है इन लोगों से, क्या मैं भला हूं इसलिए तुम बुराई करोगे, मैं भला हूं इसलिए तुम जैसे चाहोगे जजमेंट करोगे, मैं भला हूं इसलिए तुम जैसी चाहो बुरी दृष्टि से तुम लोगों को देखोगे। इंग्लिश के एक वर्जन में आया है, आर यू जेलस, क्या तू जलन रख रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भला परमेश्वर हूं। प्रभु के लोगों, मुझे और आपको सोचना होगा, परमेश्वर भला है इसलिए मैं और आप जलन नहीं रख सकते दूसरों से। परमेश्वर कई बार विलंब से कोप करता है ना, धीरजवंत है, लॉन्ग सफरिंग, परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे चाहें वैसे दुनिया में जीवन बिताएं। जब मैंने और आपने कहा यीशु हमारा प्रभु है, तो अब यीशु हमारा प्रभु है मतलब हमारा स्वामी है, और जैसा वो चाहेगा हम उसके दास, उसके अनुसार जीवन बिताएं। लेट्स नॉट बी जेलस विद अदर्स, दूसरे भाइयों से, दूसरे बहनों से, दूसरी कलीसियाओं से जलन नहीं रखें। स्वामी कह रहा मैं भला हूं
इसलिए क्या तू बुरी दृष्टि से देखेगा? एक और इंग्लिश के वर्जन को कोट कर रहा हूं, इज दाइन आई इवल बिकॉज आई एम गुड, इज दाइन आई इवल, मैं अच्छा हूं तो क्या तू बुरी दृष्टि डालेगा? आपको याद यीशु मसीह ने सिखाया था, अगर तुम्हारी आंख निर्मल होगी तो तुम्हारा सारा शरीर भी उजियाले से भरा रहेगा। मेरा और आपका देखना, हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। जब हम दूसरों को तरक्की करते देखें, ओ बुरी दृष्टि से उनको मत देखिए, उनके लिए बुरे अजम्पशंस मत करिए, उनका न्याय मत करने लगिए। मुझे और आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। हम जेलसी नहीं कर सकते, जेलसी परमेश्वर को पसंद नहीं है। श्रेष्ठ गीत में लिखा है 8:6 में, उसमें लिखा है ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी होती है, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी होती है। और इसलिए प्लीज ईर्ष्या करने से बचें, क्योंकि वो हमेशा हमारे अंदर डेथ प्रोसेस को शुरू करेगी। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी, अगर ईर्ष्या मैं रखूंगा तो मेरे अंदर हमेशा मृत्यु का काम होता रहेगा, हमेशा मेरे अंदर डार्कनेस का काम होता रहेगा, परमेश्वर की रोशनी नहीं होगी। वहीं पर उसके विपरीत अगर मेरी दृष्टि निर्मल है तो मेरा सारा शरीर उजियाले से भरा रहेगा, शांति से भरा रहेगा, परमेश्वर की रोशनी से भरा रहेगा। सो आज हमने क्या सीखा? कुछ बातें जो आखिरी में कहना चाहता हूं। आज हमने इस दृष्टांत से क्या सीखा? पहली बात, गिव थैंक्स ऑलवेज, हर बात में धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है उस बात में संतुष्ट रहकर, लिखा ना संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, हर बात में धन्यवाद दीजिए। दूसरे को जब देखते हैं उन्नति करते तरक्की करते, तुलना करके कुड़कुड़ाएं नहीं, है ना, ये मत कहें परमेश्वर ने उसको ज्यादा फेवर दिया है, वो तो जूनियर है, वो तो बाद में आया है, परमेश्वर ने मुझे कम दिया है। ओह नो नो नो, डोंट डू दैट। परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें हम खुश रहें। साथ ही साथ दूसरी बात याद रखें, एक्चुअली हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते, हमें जो भी दिया जाता है, परमेश्वर से जो भी मिलता है, वो उसकी मर्सी है, उसका अनुग्रह, और जो भी अनुग्रह हमने पाया है हम उसी में संतुष्ट रहें, परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जब अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपने कलीग्स को आप बरकत पाते हुए देखें, उन्नति करते हुए देखें, आप निराश नहीं हों, आप कंप्लेन नहीं करें, बल्कि उनके साथ खुश हों, और उनके साथ खुश होकर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उनको बरकत दी है। और जब आप उनके लिए खुश होकर धन्यवाद देंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको भी उसके बदले में बहुत बरकत देगा। साथ ही साथ आखिरी बात कह रहा हूँ, स्टे हम्बल, स्टे हम्बल। दूसरे बरकत पा रहे हैं इससे कुड़कुड़ा नहीं सकते हम, स्टे हम्बल, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर नम्र लोगों को, दीनों को और अनुग्रह देता है। अगर मैं और आप दीन बने रहेंगे और अनुग्रह पाएंगे, अगर मैं और आप नम्र बने रहेंगे पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर के नियम सच्चे हैं, आकाश पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परमेश्वर की बातें बिना पूरे हुए नहीं टलेंगी। प्रियो नम्र बने रहे, धन्यवादी बने रहे, दूसरों की बरकत देखकर कुड़कुड़ाएं नहीं, खुश हो बल्कि उनके लिए दुआ करें, परमेश्वर को उनके लिए भी धन्यवाद दें, और आप देखिए आपकी आशीषें दूर नहीं होंगी, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें कई गुना बढ़ जाएंगी, और आप स्वामी से न केवल बरकत पाएंगे बल्कि स्वामी से तारीफ पाएंगे। स्वामी आपको शाबाश कहेगा और स्वामी खुश होगा कि आपने सचमुच दिल से, ईमानदारी से, बिना लालच के उसकी सेवा करी है, और उसकी बरकत आप कभी नहीं खोएंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दें और एक बार फिर से अपने आप को जांचें, कहीं हमारे अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार की जलन तो नहीं है। हमने अभी सीखा ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी होती है। परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे अंदर अगर ईर्ष्या है किसी के प्रति, आप प्लीज उस ईर्ष्या को निकाल दीजिए, उस जेलसी को मेरे अंदर से निकाल दीजिए प्रभु, और मुझे एक धन्यवादी व्यक्ति बना दीजिए, मुझे धन्यवादी हृदय से भर दीजिए प्रभु, क्योंकि मैंने इस बात को समझा है और मैं इस बात को याद रखना चाहता हूं कि मुझे जो कुछ मिलता है वो मैं डिजर्व नहीं करता प्रभु जी। मैं अपने आप को ये नहीं कहता मैं डिजर्व करता हूं प्रभु, बल्कि ये तो सिर्फ आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं परमेश्वर, और आप मेरी मदद करें कि मैं जीवन भर धन्यवादी बना रहूं, आभारी बना रहूं, आपकी महिमा निरंतर मेरे जीवन से होती रहे, और आप जब भी मुझे देखें आप मुझे यही पुकार कर कहें कि मैं आपका मित्र हूं, हम आपके मित्र हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने वचन भेजे हैं, इस वचन के द्वारा हम सबको चंगा करने के लिए, बरकत देने के लिए, और अपना मार्गदर्शन देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।